तो गुड मॉर्निंग पब्लिक। तो आज का अपना सफर शुरू हो रहा है सुबह के कोहरे के साथ, और हम जा रहे हैं अर्नाला फोर्ट। कोंकण में जिस जगह पर नदियां समंदर से मिलती है, उन जगहों पर पुराने समय में बंदरगाहों का निर्माण किया गया था, और वहीं से विदेशी व्यापार भी किया जाता था। और ऐसे बंदरगाहों के निगरानी के लिए वहां पर किलों का निर्माण किया जाता था। ऐसा ही एक किला है अर्नाला। अर्नाला किले का क्षेत्रफल 700 स्क्वायर मीटर है और इसकी बाहरी दीवारें लगभग 30 फीट ऊंची है। इस किले को कुल 9 बुरुज है। उनमें 3 मुख्य बुरुज भवानी, भैरव और बावा ए है, और साथ ही इस किले को 3 प्रवेश द्वार भी है। पालघर जिले के वसई में आने वाला ये किला वसई शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आने के लिए सबसे करीबी रेलवे स्टेशन है विरार, जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ से आप बस के जरिए काफी आसानी से अर्नाला बीच तक पहुँच सकते हो। और क्या बोलती पब्लिक, कैसी है रे? तो नमस्कार मंडली, स्वागत है आप सबका आपके भाई के चैनल पे। तो पब्लिक, आज है संडे और हम आए हैं अर्नाला फोर्ट। अपने पीछे देख सकते हो पूरा बीच, यार काफी सही नजारा है। आज के अपने सफर का पार्टनर है बंड्या। तो बंड्या के साथ हम आए, सुबह 5:30 बजे निकले थे, लगभग 8 बजे सुबह हम लोग यहाँ पर पहुंचे। अब यहाँ से बोट से उतर के यहाँ पर पीछे फोर्ट है, तो ये पूरा अर्नाला गाँव है और इसके अंदर पीछे नारियल के जो पेड़ है, नारियल के वहाँ पर फोर्ट है। तो हम लोग फोर्ट में जाएंगे, फोर्ट एक्सप्लोर करेंगे और जो कुछ भी अपना आज का अनुभव है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिए अपने साथ और सफर का मजा लीजिए। अर्नाला किले का निर्माण सन 1516 में गुजरात के सुल्तान मोहम्मद बेगड़ा के द्वारा किया गया था। इस किले का व्यापारी महत्व जानते हुए सन 1530 में पुर्तगालियों द्वारा हमला करके एक किला जीत लिया और इस किले का पुनर्निर्माण किया गया, और तब से लगभग 200 सालों तक इस किले पर पुर्तगालियों का ही राज रहा। तो यार यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हो शरब शिल्प, उसके नीचे हाथी और कमानी के दोनों तरफ यहाँ पर कमल पुष्प, और इस तरफ भी शरब शिल्प और हाथी है। तो अभी यहाँ से इंटर करते हैं हम, और यार ये इंटर करते क्या ही कमाल, यार काफी सही नक्काशी की गई है। यहाँ पर अंदर की तरफ भी देख सकते हो आप, ऊपर की तरफ 3 कमल पुष्प है इटे। यहाँ पर ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर और इस तरफ हिंजेस, जो दरवाजे के हिंजेस लगाते थे उनके लिए जगह बनाई हुई है, और ये वाले अपने दरवाजे के पीछे जो अटकनी लगाते थे उनके लिए बनाई हुई जगह, और ये अपने मेन गेट के अंदर आने के बाद ये ऊपर गोल घुमत। यहाँ पीछे की तरफ एक दरवाजा है, शायद यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जाती होंगी अपने बुरुज के ऊपर, या फिर अंदर एक रूम कमरा होगा जो कि अभी लॉक है, यहाँ से एंट्री नहीं है। यहाँ पीछे दिए लगाने के लिए जगह है, दिए लगाने के लिए जगह बनाई हुई है, और यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर भी एक खिड़की है जहाँ से ऊपर की तरफ बुरुज के टॉप पे रास्ता जाता है। तो यार काफ़ी सही बनाया हुआ है अपने बहुत सारे किलों के ऊपर, जिस तरीके से कि अपने नौजवान बहादुर लोग जो ये डिज़ाइन करके रखते हैं ना, ऐसे पढ़े लिखे लोगों के लिए गाली आती है मन में। तो जैसे ही हम इस गुंबद के नीचे से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर दोनों तरफ ऊपर गैप है जहाँ पर सिपाहियों के बैठने के लिए जगह बनाई थी, और इसके पीछे यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरी तरह से चौकोनी आकार में इस किले की पूरी दीवार है, जो कि अपने काफ़ी कम और लगभग 30 फीट की हाइट है इसकी। तो यार काफ़ी सही है, और इसके अंदर भी यहाँ पर कुछ मंदिर वगैरह दिख रहे हैं। तो हम अभी पीछे से घूम के चलते हैं ऊपर की तरफ और ऊपर से नज़ारा लेते हैं। अंदर आने के बाद ये कुछ टूटे हुए वाड़े के अवशेष है आपको सामने, ये कुछ पुराने वाड़े के अवशेष मिलेंगे। यहाँ पर राजवाड़ा हो सकता है शायद, जिसके अवशेष दिख रहे हैं कुछ चारों तरफ, तीनों तरफ दीवार है, कुछ हिस्से है दीवारों के और बहुत सारी दीवार टूट चुकी है, और आगे की तरफ कुछ अवशेष। तो इस तरीके का एक राजवाड़ा रहेगा। मेन गेट से अंदर आने के बाद राइट साइड में आप जाओगे तो आपको पीछे की तरफ आने के बाद इस तरह से ऊपर की तरफ जाने के लिए सीढ़ियां दिखेंगी, जो कि हमें लेके जाती है सीधा इस दीवार के ऊपर, और ऊपर से जो नजारा दिखता है क्लास, आपका दिल खुश हो जाएगा। अब नीचे से जो हमने दिखाया था दरवाजा बंद था, उस वाले दरवाजे का रास्ता सीधा ऊपर आता है यहाँ से, और जो दूसरी एक
छोटी सी विंडो दिखाई थी मैंने, उसके लिए यहाँ पर यहाँ से एंट्री है। तो यार काफी सही स्ट्रक्चर बनाया हुआ है यहाँ का, काफी मजा आ रहा है। ऊपर देख सकते हो काफी बड़ी जगह है जहाँ पर आप आराम से खड़े रह सकते हो। और ये उस गुंबद का ऊपरी वाला हिस्सा, इसके ऊपर है हमारा भगवा जो कि शान से लहरा रहा है। तो वीडियो वाली जगह दिखाते हैं। यहाँ से अंदर आने के बाद कुछ इस तरीके की जगह है जहाँ से आपको नीचे वाला नजारा दिख सकता है। ये रहा लेफ्ट साइड में वो वाला आने वाला दरवाजा जहाँ से हम लोग एंट्री की, वो रहा सामने वो दरवाजा जहाँ पर अंदर जाने के लिए जगह थी। और ये ऊपर घूमत सीढ़ियों से ऊपर आने के बाद ये सामने की तरफ ये एक बुरुज लेफ्ट साइड वाला, जिसके साइड में आपको चार खिड़कियाँ दिखेंगी बड़ी, 1, 2, 3, 4 और 1, 5। और इन खिड़कियों से सामने का नज़ारा, सामने दूर तक समुंदर फैला हुआ। तो ऊपर आने के बाद दोनों तरफ के बुरुज के ऊपर से हमें लगभग एक जैसा ही नज़ारा दिखता है। तो ऊपर आने के बाद हमें सामने कुछ यहाँ पर एक मंदिर दिख रहा है, यहाँ पर एक दरगाह है और हमें पूरा राउंड में यहाँ पर इस किले की दीवार दिख रही है। तो किले के ऊपर की दीवार से लेफ्ट साइड से हम बढ़ते हुए आगे आ रहे हैं और आगे आते वक्त इस कॉर्नर में, लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे आने के बाद ये वाला एक बुरुज है। तो यार इस किले के ऊपर 3 बुरुज है, लेकिन उन तीनों में से एक भी बुरुज के ऊपर कहीं पर भी नेम प्लेट नहीं लगी कि ये वाला कौन सा बुरुज है और इसका नाम क्या है। तो यार वो अगर हो जाता ना तो बहुत सही रहता है। आप देख सकते हो काफी बड़ा है ये वाला बुरुज भी अपने पीछे। और यहाँ से भी एक खिड़कियां जो आगे देख सके, लेकिन अभी यहाँ इन खिड़कियों से देखोगे तो आपको पूरा गांव दिखेगा जो कि घर है पीछे सारे। तो यहीं से आगे बढ़ते हुए अब किले के राउंड कंप्लीट करते हैं। सन 1735 में चिमाजी अप्पा द्वारा वसई जीतने के बाद ये किला पहली बार मराठों के अधीन आ गया और उस समय पहले बाजीराव पेशवा द्वारा इस किले का पुनर्निर्माण किया गया। सन 1781 में पहले एंग्लो मराठा युद्ध के बाद ये किला अंग्रेजों ने जीत लिया और तब से भारत के आजादी तक ये किला अंग्रेजों के कब्जे में ही रहा। लेफ्ट वाले उस बुरुज से आगे आने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा एक दूसरा बुरुज की तरह बनाया हुआ इलाका है जो स्क्वायर में लग रहा है और यहाँ पर नीचे से रास्ता दिया गया है। तो चलते एक बार और देखते हैं। तो यहाँ पर एक बस कमरा है जहाँ पर शायद कुछ रखा जाता होगा या फिर इस दीवार के ऊपर जो सिपाही होते थे उनके रेस्ट करने के लिए ये यहाँ पर जगह होगी कि यहाँ पर बैठ के आराम वगैरह करें या फिर कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं अंदर, ऐसी जगह होगी। लेफ्ट साइड से घूमते वक्त घूमते हम अभी पीछे की तरफ आ चुके हैं, किले की जो बैक साइड है उस तरफ पहुंच चुके हैं। और बैक साइड में आने के बाद यहाँ पर एक पीछे एक बुरुज है और वहीं से आगे रास्ता चला जाता है और इस बुरुज के जस्ट नीचे जाने के लिए यहाँ पर एक रास्ता है। तो ये वाला रास्ता कैसा है, कहाँ पर जाता है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद आप ये देख सकते हो एक छोटा सा कमरा है जहाँ से ये दो छोरों के दिख रहे, छोरों से सीधा पूरा बाहर का नजारा, छोरों से बाहर का नजारा दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके का एक कमरा था यार, अच्छा खासा अच्छी खासी जगह है यहाँ पर। और यहाँ पर जस्ट इस बुरुज के नीचे से आप देख सकते हो यहाँ से ना एक दरवाजा है। नीचे घूम के जाते वक्त हम लोग वहां पर जाके उस दरवाजे पे भी देखेंगे। जैसे कि इस किले के ऊपर जो बड़े बुरुज है मेन वाले, उनमें से ही ये एक भी बुरुज है। इस बुरुज का भी नाम क्या है हमें पता नहीं, अगर पता चला तो मैं वीडियो में एडिट कर दूंगा। तो ये वाला भी काफी बड़ा बुरुज है, आप देख सकते हो
पूरी तरह से यहाँ पर राउंड किया हुआ है और यहाँ पर भी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं। लेकिन इन सब चीजों के बीच में और एक चीज आपको दिखाता हूँ। और इसी बुर्ज के ऊपर यहाँ पर एक छोटा सा कमरा है, जिस कमरे के अंदर आप देख सकते हो कचरा फैला हुआ है, प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक के ग्लास, प्लास्टिक के रैपर्स जो कि चिप्स वगैरह है। अब ये सब जो कचरा है वो किस चीज का है तो अलग से मुझे बताने की जरूरत है नहीं। और ये यहाँ पर कैसे आया, यहाँ पर पूरा आसपास में गांव है किले के, और उन्हीं में से कुछ, सारे तो नहीं बोल सकते हम, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर आकर रात के वक्त पार्टी करते हैं। और उसी की वजह से तो यहाँ पर कचरा है, क्योंकि बाहर के लोग आकर यहाँ पर कर नहीं सकते, क्योंकि आपको बाहर से अंदर आना पड़ेगा बोट के थ्रू। और बाहर से यहाँ पर आकर ड्रिंक, मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर कोई करता होगा इस किले के ऊपर। ये वाला कचरा फैलाने की जिम्मेदारी तो गाँव वालों की है। अगर अर्नाला किले के जो गांव वाले वो लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी कि यार भाइयों ये सब मत करो इस किले के ऊपर, इससे इस किले के ऊपर आने वाले लोगों का यार मन बैठ जाता है और अच्छा नहीं लगता ये सब देखने में, और ये सब चीजें देखकर आपके गांव का ही नाम खराब होगा। यार प्लीज अगर हो सके तो अवॉइड करो इन सब चीजों को यहाँ पर किले पर करने से, क्योंकि यार बाहर के लोग अगर आकर करते हैं तो वो अलग चीज़ हो जाती है यार, फिर उन लोगों को बताना पड़ेगा कि यार ये सब मत करो। लेकिन गांव वाले ये सब अगर चीज़ करेंगे यहाँ पर। किले के लेफ्ट साइड से घूमते घूमते हम लोग अभी किले के राइट साइड वाली दीवार पे आ चुके हैं, और राइट साइड में आने के बाद ये अपने पीछे ये वाला बड़ा सा बुरुज, और इस बुरुज के नीचे यहाँ पर एक और एक रास्ता है जो नीचे जाता है, शायद यहाँ पर भी नीचे एक छोटा सा तहखाना वगैरह हो सकता है। दरवाजा जाता है, यहाँ से ये वाला जो है वो रास्ता नीचे चला जाता है, शायद ये किले के बैक साइड में निकल, बाहर की साइड निकलता होगा दरवाजा। काफी घूमकर है यार रास्ता, राइट एंड लेफ्ट एंड राइट एंड लेफ्ट एंड राइट एंड लेफ्ट एंड राइट एंड लेफ्ट, पूरा गोल घूमकर हम लोग आ चुके हैं यहाँ से किले के राइट साइड वाला बड़ा दरवाजा। तो यार आप ये देख सकते हो यहाँ से, यहाँ पर हम पीछे की तरफ आ चुके हैं नीचे उतरकर, यहाँ पर भी दीवार पे शरब शिल्प, दोनों तरफ शरब शिल्प है सिर्फ, और ये बुरुज। तो किले के ऊपर के राइट साइड के बुरुज से जो सुरंग नीचे जाती थी उस सुरंग के रास्ते हम लोग उतर कर यहाँ पर बाहर आ चुके हैं। तो यार ये भी दरवाजा जैसा मेन एंट्रेंस गेट है इस किले का, उसी की तरह काफी बड़ा है यार, आप देख सकते हो इसके ऊपर। ऐसे दरवाजे के अंदर जाने के लिए आपको तीन कमानी लगती है, एक दो और तीन, और उसके बाद अंदर वही गोल घूमट वगैरह है। जहाँ पर हमने मेन गेट में एंट्रेंस किया था वहां से जब हम गेट से सामने आते ही हमें जो दरवाजा दिखा था ऐसा ही कुछ कमरा वहां पर भी होगा, ये देख सकते हो आप, अभी यहाँ पर तो ओपन है, वहां पर दरवाजा लगाकर लॉक कर दिया हुआ जगह है। और जहाँ से हम लोग अभी आए वो वाला रास्ता, ये जो पीछे छोटा सा दरवाजा दिख रहा है इस रास्ते से हम नीचे आ चुके हैं। यार इसका स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है, ये बिल्कुल हूबहू देखने में अपना वो जो मेन गेट आया था उसी की तरह है। तो अब उतर के नीचे तो आ गए, फिर से ऊपर चढ़ते बुरुज के ऊपर और राउंड कंप्लीट करते अपना, और फिर आगे वाले दरवाजे से नीचे उतर के मंदिर वगैरह जो अपना अंदर का जो कंस्ट्रक्शन है वो सब देखते हैं। यहाँ पर अंदर की तरफ देख सकते हैं गांव वालों ने मछलियाँ सुखाई है, तो गांव वाले लोग इस किले का पूरी तरह से यूज कर रहे हैं। ये देख सकते हो यहाँ पर भी प्लास्टिक डाला हुआ है मछलियों के लिए, कुछ इस तरफ भी थे, और खेती भी हो रही है अंदर। उस तरफ एक कुआ है जहाँ पर गांव की औरतें कपड़े धो रही हैं।
तो दरगाह के लेफ्ट साइड से आगे बढ़ के हम लोग यहाँ पर ये जो पीछे अपने दत्त मंदिर है वहाँ पर आए। यार काफी शांति है यहाँ पर, और ये ऊपर बरगद का पेड़ जो है ना उसके वजह से इतनी मस्त छाव आई है इसकी, और मजा आ रहा है यार सच में, अच्छा लगा यहाँ पर। कैसा लगा बंडिया? एकदम मस्त हवा है इधर, पर बाहर तुला थोड़ा गर्म का होते रे, बिकॉज आई एम सो हॉट। इस किले के अंदर जो तीसरा मंदिर है वहाँ पर आए, तो वहाँ पर ये एक अष्टकोणी वीर है, वीर मतलब ये अपना कुआ है जो आठ कोनों में बना हुआ है, और यहाँ पर सामने से सीढ़ियाँ है, पानी कम होगा तो आप सीढ़ियों से नीचे उतर सकते हो यहाँ से, तो काफ़ी सही है। इसमें बहुत सारे कछुए हैं और मछलियाँ भी है, तो देखने में मज़ा आ रहा है यहाँ पर। और ये रहा अपना तीसरा मंदिर, पंचलिंगेश्वर मंदिर। इसके अंदर एक शिवलिंग है और उसी के साथ लेफ्ट साइड में गणेश जी की मूर्ति और राइट साइड में भगवान राम की मूर्ति है, तो काफ़ी सही है ये वाला भी मंदिर यहाँ पर, और काफ़ी सही लगा मुझे ओवरऑल ये किला घूमने में। बस एक ही चीज़ है कि यार थोड़ी क्लीनिंग होनी चाहिए। मंदिर के सामने ये वाला तुलसी वृंदावन, तो ऐसा तुलसी वृंदावन आपने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि ये वाला तुलसी वृंदावन जो है वो नाव के आकार का है, तो मछुआरे लोगों की जो नाव रहती है उसके शेप में बना हुआ है तुलसी वृंदावन है, तो काफी सही लग रहा है। यहाँ के जो लोकल लोग है आगरी कोली लोग, तो यार वो लोग मछलियाँ पकड़ते हैं, तो उनकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मतलब ये नाव, उनका काम रोजी रोटी नाव के ऊपर से चलती है, तो यार उन्होंने उसी शेप में ये वाला बनाया हुआ है। और यहाँ पर मैंने बहुत सारे घरों के सामने भी गांव में से जब हम किले के ऊपर आ रहे थे तो बहुत सारे घरों के सामने ऐसे वाले तुलसी वृंदावन देखे जो नाव के शेप में बने हुए थे, तो काफ़ी मस्त लगा। ये वाला कुछ अलग चीज़ देखने को मिली है हमें इस जगह पे आकर। सर आपका नाम विनय? हाय। तो विनय सर भी हमारे साथ यहाँ पर इस किले पर आए, और विनय सर आए पुणे से, आपका एक्सपीरियंस कैसा है किले पर? किला बहुत अच्छा है, बट आर्कियोलॉजिकल के हिसाब से इसको प्रिजर्व करने की बहुत ज़रूरत है, और इतना अच्छा अगर हेरिटेज संभाल पाएंगे तो भी रियली ग्रेट। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इतनी सही जगह पे आकर हम अगर देखते हैं कि यार दीवारें तो सही है लेकिन बाकी जो इस किले का रख रखाव है डिसअपॉइंट करता है देखने के बाद। गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ पर ध्यान देना ज़रूरी है। या आई थिंक लोगों ने भी आना चाहिए इस जगह पर, और इस जगह का देखना चाहिए कि कैसे रिमेन्स, अपना हेरिटेज कितना अच्छा है। सो वी हैव टू रियली लुक अराउंड कि क्या क्या है हमारे, इतना कुछ है दिखाने के लिए, बहुत कुछ है हमारे पास पर दिखा नहीं सकते। कुछ इस तरीके की कंडीशन है, लेकिन ये दिन भी निकल जाएंगे, बदलाव आ रहा है थोड़ा बहुत हो जाएंगे। किले के गेट से बाहर आने के बाद उसी टापू पर किले से थोड़ी सी दूरी पर मतलब लगभग 500-550 मीटर की दूरी पर एक मार्टेलो टावर है, जो इस किले से काफ़ी दूर और अकेला एक ऐसी ही इस किले की आखिरी वास्तु है जो कि अंग्रेजों के समय पर बनाई गई थी। तो इसके लिए इस यहाँ पर अंदर जाने के लिए रास्ता कहाँ पर है हमें देखना पड़ेगा। यहाँ से यार काफ़ी बड़ा है ये, यहाँ पर ऊपर से बड़ी बड़ी खिड़कियाँ दिख रही है, मुझे लगता है पीछे के साइड से शायद रास्ता होगा, तो हम चलते हैं वहाँ पर देखते हैं। यार अंदर कुछ दिख नहीं रहा है, शाबाश जा, फ्लैश दे रे बंदे, हम एक मिनट जाओ बेहतर घर नहीं रखता है कि अंदर आ चुके हैं, अभी देखते क्या है कैसा है सब कुछ। तो यहाँ से ये पूरा गोल गुफा दिख रहा है अंदर, आगे क्या है कुछ पता नहीं चल रहा,
जाऊँ। चलो ट्राई करते हैं मोबाइल के फ्लैश में, अगर अंदर कुछ होगा तो डर लग रहा है। बड़ी नहीं है, झुक कर चलना पड़ रहा है यार। यहाँ पर अगर कुछ होगा ना तो मेरा काम बच जाएगा, तो डर लग रहा है मुझे थोड़ा बहुत कसम से। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लगभग आधे से ज्यादा मैं राउंड मार चुका हूँ। अरे कुछ दिख नहीं रहा, डेंजर है। मुझे लगता भी नहीं कि आज तक यहाँ पर कोई आया है यूट्यूबर। समुंदर का पानी जब बढ़ जाता है तो ये जो थर्माकोल रहता है वो ऊपर आ चुका है अंदर पानी की वजह से। बाकी अंदर समुंदर के पानी की वजह से ही सिर्फ कचरा आया हुआ दिख रहा है। तो हम आधा राउंड हो चुका है अपना मार के, किले को आधे से ज्यादा राउंड मार हो चुका है। अब बस थोड़े से आगे निकलेंगे तो मेरा शायद अपना पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आगे जा निकले यार, रास्ता बिल्कुल भी नहीं है, काफी छोटा रास्ता है। यहाँ से आगे जाने के लिए भरी हुई है यार, तकलीफ होती है आगे बढ़ने में। हेलो हेलो राउंड मारून। तो लगभग राउंड हो चुका है अपना, यहाँ से आगे उस कॉर्नर पे लेफ्ट मारेंगे तो लगभग आधे से ज्यादा हम अंदर आ चुके हैं। आधे से नहीं मतलब लगभग पूरा अंदर आ चुके हैं हम, और यहाँ से आगे जाके लेफ्ट मारेंगे तो हम बाहर निकलने का रास्ता है। लेकिन अभी यहाँ से आगे जा नहीं सकते क्योंकि रास्ता काफ़ी छोटा है, हमें सोकर जाना पड़ेगा बाहर और नीचे रेत पूरी गिरी है। तो हम जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से वापस चलेंगे। चलो शिफ्ट शुरू कर दिया है, आप देख सकते हो अंदर आना बिल्कुल ही गलत डिसीजन था ये। मुझे लगता है यहाँ पर बनाया हुआ है जो दुश्मन को फंसाने के लिए बनाया हुआ रास्ता है। दुश्मन अंदर अगर इस टावर के पास हालो रे, हालो 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 तो इस तरीके से अंदर जाकर आ गए रिटर्न। यार हम लोग जब यहाँ पर टावर के पास आए थे तब मुझे लगा था कि यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, जस्ट ऊपर यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने के लिए रास्ता होगा। लेकिन ये छोटू मिला, इसने कहा कि यहाँ पर एक गुफा है। अरे शर्मा था क्यों है? तो इसने रास्ता दिखाया यहाँ पर, तो हम अभी यहाँ से अंदर जाकर आए वापस। लेकिन यहाँ पर अंदर रास्ता नहीं है, ये वाली जो गुफा है वो इस टावर को पूरी तरह से राउंड शेप में की गई है और इसके अंदर बिल्कुल भी सिर्फ एक टाइम पे एक आदमी जा सकता है, इतनी जगह है। और हाइट लगभग दो तीन फीट की हाइट रहेगी इसके अंदर, जहाँ पर हमें घुटनों के बल चल के जाना पड़ता है। तो यार काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हुई मेरी, मैं लगभग पूरा राउंड मार के यहाँ तक आ चुका था इस तरफ, लेकिन यहाँ से आगे आने के लिए रास्ता नहीं था, लगभग आधे एक फीट की हाइट बाकी थी तो सोकर आना पड़ता है। इसलिए मैं रिटर्न जिस रास्ते से गया था उस रास्ते से यहाँ पर आया। यार काफी सही एक्सपीरियंस रहा है वाला, डर तो लगा मुझे लेकिन डर के आगे जीते। छोटू ला थैंक यू, चांगला रास्ता दाखवला। नाम क्या है? गणेश।
कंफर्म हो गया कि ये रास्ता भूल भुलैया है। ये देख सकते हो ये जो बड़ी बड़ी खिड़कियां है यहाँ पर ऊपर, उन खिड़कियों से सीढ़ियां डालकर यहाँ से ऊपर चढ़ते होंगे और फिर ऊपर चढ़ने के बाद वो सीढ़ियां वापस निकाल लेते होंगे, जिससे कि एक बार ऊपर गए तो नीचे से विदाउट सीढ़ी कोई आ नहीं सकता। तो फिर दुश्मन अगर आए तो ऊपर चढ़ने के लिए वो सोचेगा कि रास्ता कहाँ पर है और वो गुफा देखकर तो 100% वहाँ पर जाएगा। फोर्ट हमारा एक्सप्लोर करके हो गए, हम आ गए नीचे अभी वापस बीच पे। अभी यहाँ से पीछे अपने फेरी आ रही है तो हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। तो यहाँ पर बीच पे थोड़ी देर वेट करके हम लोग रुके थे तो ना आपस में बात करते करते ना हमें एक भाई मिला। भाई आपका नाम? तन्मय। तन्मय मेहर। यार भाई ने गांव की बहुत सही डिटेल्स बताई, गांव के जो यहाँ पे जो गांव वालों के जो प्रॉब्लम्स है या फिर जो गांव वालों के आदतें उनके बारे में बहुत सारी बातें बताई, गांव के बारे में अच्छे से डिटेल्स बताई। मतलब यार अच्छा लगा कि भाई इन सब बातों के बारे में सोचते हैं आज की नई जनरेशन इस गांव की। और भाई इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो यार ये भी सही है कि गांव में ऐसे नौजवान भी है जो पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाह रहे हैं और वो तो अच्छा कुछ कर रहे हैं। तो यार बहुत अच्छा लगा भाई से मिलके। भाई मजा आया। तो बंटे खाना हो गया दबा के? हाँ एकदम कोल्ड वरुण जो ले जा ले, भूख लाग ले आज। कुछ ज्यादा ही खा लिया? तो वीडियो लंबा करने में अभी कोई मतलब नहीं है, तो यहीं पर हम वीडियो का एंड करते हैं। यही था आज के वीडियो में। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो अपने चैनल को। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहो, बस यही दुआ है।